प्रदेश में वाल्मीकि समाज का काम रोको हड़ताल चल रहा है और इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज का जो मिशन है वो है कि हमारा हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। सारे राजस्थान में नगर निगम में जितने भी कर्मचारी है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज अजमेर से लोंगिया क्षेत्र से अनिल जी भाई साहब के नेतृत्व में और हमारे साथियों के नेतृत्व में एक मैसेज दिया जा रहा है कि करुणा योद्धा जो बनाए गए थे वाल्मीकि समाज के लोगों को, उन्होंने देश के अंदर वाल्मीकि समाज एक ऐसा था जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने किट पहन के लोगों की जो बॉडी है जिसका कि पिता गुजर जाता और बच्चा हाथ नहीं लगा रहा था, उस परिस्थिति में इन्होंने लाशें जलाने का काम भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। अगर उस दौरान देश के अंदर अगर वाल्मीकि समाज एकजुट होकर साथ नहीं देता तो आज वो बीमारी बहुत विकराल रूप ले लेती। इसके लिए जब अधिकार की बात आती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए और वाल्मीकि समाज की जो भर्ती है वो पूरी तरह से जाति प्रमाण पत्र, जिसका भी जाति प्रमाण पत्र वाल्मीकि समाज का होगा उसी व्यक्ति को नियुक्ति का हकदार होगा। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं होती है ये आपकी मांग? अगर हमारी मांगे ये मंजूर नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारी समाज के जो नेता है अगर प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय लेंगे कि चाहे 6 महीने आंदोलन करना पड़े चाहे 3 महीने करना पड़े, सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। शरवण टोनी, पूर्व पार्षद अजमेर। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सभा के अंदर हमारे जो UDH मिनिस्टर है, स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं जब्बर सिंह जी खर्रा, उन्होंने कहा था कि ये जो भर्ती की जाएगी, इस भर्ती के अंदर अगर मान लो कहीं पेचीदगियाँ रह जाती है, कहीं किसी भी कारण से अगर मान लो समाज की भावनाओं को या अधिकारों को ठेस पहुंचता है तो उनके लिए समाज से और अन्य लोगों से इस भर्ती को करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। तो उनके ही आदेश पे हमारा ये निवेदन है कि जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया कि एक तो मस्टोल के आधार पर भर्ती की जाए, ये हमारा सुझाव है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र देखकर भर्ती की जाए, ये हमारा सुझाव है। तीसरा, जो पूरी दुनिया के अंदर महामारी चली थी और उस महामारी के अंदर जहाँ बेटा बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा था, उस जगह वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी वह उस जगह उस शमशान के अंदर बेटे की भूमिका निभा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को, इन 3 पॉइंटों को देख के ये हमारा वाल्मीकि समाज का आदरणीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि इन सुझावों को लेके इनके ऊपर निर्णय ले रहे और वाल्मीकि समाज के हित के अंदर परिणाम निकाले। इसी क्रम के अंदर आज ये बताने के लिए कि शायद लोग भूल जाते हैं क्योंकि उस कोरोना काल को निकले हुए 2 साल बीत गए हैं, तो उसी की एक झांकी सजाई जिसके अंदर कोरोना काल के अंदर जो कोरोना किट पहन के कर्मचारी मैदान में उतरते थे, उस महामारी के बीच में रहकर समाज के लोगों की, सभी समाज के लोगों की रक्षा करते थे। ये नहीं कि वाल्मीकि समाज की, सर्व समाज के लोगों की रक्षा करते थे, उसकी एक झांकी सजाई है। यहाँ से दरगाह बाजार, नाला बाजार, मदार गेट होते हुए नगर निगम पे इस रैली का समापन किया जाएगा। अनिल नरवाल।